डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8-400-400-400 पर। The question given is the fluid contained in a bucket can fill 4 large bottles or 7 small bottles. A full large bottle is used to fill an empty small bottle. What fraction of the fluid is left over in the large bottle when the small one is full? तो अगर हमें देखें कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड के कंटेनर को हम ले लेते हैं, फ्लूइड का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है हम ले लेते हैं x लीटर्स। वन बॉटल में, वन लार्ज बॉटल में जो वॉल्यूम आता है दैट इज़ y लीटर्स एंड वन स्मॉल बॉटल में जो वॉल्यूम है दैट इज़ z लीटर्स। तो हमें गिवन है x जो है इसको हम 4 लार्ज बॉटल में फिल कर सकते हैं या 7 स्मॉल बॉटल्स में। दैट मीन्स ये दोनों सेम है तो 4y = 7z होगा, तो y = 7/4z ये आ गया। और हमें गिवन है कि वन फुल लार्ज बॉटल को मतलब y जो है वो 7/4 टाइम्स ऑफ z है। तो अगर हम देखें z कितना होगा 4/7 ऑफ y, तो ये मतलब एक स्मॉल बॉटल में हम इतना लार्ज बॉटल का वॉल्यूम ले सकते हैं। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा लार्ज बॉटल से हमने अगर z को माइनस कर दिया दैट इज़ 7y - 4y अपॉन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं और ये होल अपॉन y होगा तो 7y दैट मीन्स 3y/7y ये कैंसिल आउट हुआ 3/7 मतलब रिमेनिंग फ्रैक्शन इज 3/7 दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8-400-400-400 पर।